हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं नागपंचमी का त्यौहार आने वाला है। क्या आप जानते हैं नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पर वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। नागपंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पाँचवीं को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पाँचवीं तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। नागपंचमी का व्रत करने और व्रत कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के देव आठ नाग माने गए हैं। इस दिन के में अनंत, भासुका, पद, महापद, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। इस बार नागपंचमी 21 अगस्त को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। नागपंचमी की तिथि का समापन 22 अगस्त 2023 मंगलवार को रात 2 बजे होगा। नागपंचमी का शुभ मुहूर्त है 5:53 से सुबह 8:30 तक। पाँचवीं के एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें। पाँचवीं के दिन उपवास रखें। इस दिन शाम के समय भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी के सर्प की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। अब इस पर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। सर्प देवता को कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाएं और अर्पित करें। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें। अंत में नाग पांचवी की कथा अवश्य सुनें। हिंदू धर्म में सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता आ रहा है, इसलिए नागपंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान, पूजन और दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि घर नाग कृपा इससे बनी रहती है और नागों से सुरक्षा भी। दोस्तों अभी आपको पता चल गया होगा कि हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की कहानी। अगर आपको ये हमारी कथा और कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी ही और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। हर हर महादेव दोस्तों।